यूपी अन्वेषकों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बड़ा समाचार आ रहा है। क्या है खास समाचार इस खास ब्रेकिंग न्यूज में? नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज। अन्वेषक न्यूज आपके संघर्ष का सच्चा साथी। मैं हूं आपके साथ डीके देव। इस समाचार में जानेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लोक अदालत में बुलाए गए विक्रम सिंह के साथ मीटिंग में क्या क्या वार्ता हुई है। विक्रम सिंह ने इसे एक पोस्ट के माध्यम से साझा किया है और बताया है क्या क्या माननीय जज साहब से उन्होंने कहा और किस रूप में उन्होंने इसको समझा और क्या विचार और क्या आगे की कहानी है। बात करेंगे, आइए लेते हैं वो पोस्ट जो कि विक्रम सिंह ने की है लोक अदालत मीटिंग की। मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने पोस्ट कर बताया अन्वेषकों को, आज दिनांक 29 जून 2024 को अन्वेषक केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गतिमान है को लेकर गोरखपुर के लोक अदालत में जाना हुआ। लोक अदालत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्रीमान सिद्धार्थ सिंह जी व एडिशनल प्रिंसिपल जज श्रीमान अशोक कुमार जी के समक्ष अन्वेषकों की पूरी व्यथा को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। दोनों जज इस प्रकार के शोषण से काफ़ी मर्माहत दिख रहे थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है विक्रम सिंह जी का कि वो काफ़ी अन्वेषकों के पक्ष में सकारात्मक थे। चूँकि सरकारी पक्ष के वकील यहाँ मौजूद नहीं हुए थे, उन्होंने बताया है चूँकि सरकारी पक्ष के कोई भी वकील कल की मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ, तो उन सभी सरकारी पक्षों को नोटिस जारी करके दिनांक 3 जुलाई 2024 को पुनः उपस्थित होने के लिए कहा गया है और साथ ही विक्रम सिंह जी के लिए भी उपस्थित होने के लिए कहा गया है। विक्रम सिंह के साथ उनके साथी और जो ब्लॉक है उनका वहाँ के श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे इस मीटिंग में। पोस्ट में विक्रम सिंह ने बात का जिक्र किया है उन दोनों जजों की आपस में जो बातचीत चल रही थी उसमें ये कहना है कि अब तो देना पड़ेगा, सारी हेकड़ी निकल गई। यानी कि वो लोग बातचीत कर रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव बीते हैं उसका नतीजा काफ़ी दुखदायी है सरकार के लिए, अब देना ही पड़ेगा क्योंकि अन्वेषकों का ये मामला काफ़ी पुराना है, काफ़ी लंबी मांग है जो कि सरकार ने अब तक पूरी नहीं की, अब तो पूरा करना होगा। इस पोस्ट के अंत में विक्रम सिंह ने कहा है, आज हमारे साथ करुणेश भट्ट जी, संजय शर्मा जी, शरद सिंह जी, दिलीप गुप्ता जी और टिंकू जायसवाल जी रहे। हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी सर का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, विक्रम सिंह प्रदेश अध्यक्ष अन्वेषक संघ उत्तर प्रदेश। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस मीटिंग से कि क्या कुछ जज महोदय ने सोचा होगा, विचार किया होगा और किस निर्णय पर जाएंगे। लेकिन इस कोई भी नतीजा या कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी नतीजे पर आने से पहले माननीय जज साहब ने निर्देशित किया है 3 जुलाई को पुनः से मीटिंग होगी जिसमें सरकार के वकीलों को बुलाया गया है, विक्रम सिंह को बुलाया गया है अन्वेषक संघ की तरफ से। अब देखते हैं कि मामला कहां पर जाकर सुलझेगा और अन्वेषकों के पक्ष में एक बड़ा और नया मोड़ आएगा, उनके दिन बहुरेंगे, उनका भी टाइम आएगा। आप देख रहे थे ये खास रिपोर्ट अन्वेषक न्यूज़ पर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अन्वेषक साथियों के लिए शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।